जय श्री कृष्ण। आज हम देखते हैं जब माता देवकी और वसुदेव जी कंस के कारागार में थे। श्री कृष्ण लगभग 11 वर्ष के हो चुके हैं। देवकी माता खांसते हुए बोलती हैं, अब तो बहुत समय हुआ, अभी तक भी भगवान हमारी सुध नहीं ले रहा। वसुदेव जी उन्हें संभालते हुए कहते हैं, अभी तो लाला छोटा ही होगा, वो आए भी तो कैसे देवी। हाँ, पर अब प्रतीक्षा नहीं होती, उसका मुख देखने को तरस गई हैं आंखें। चारों ओर देखते हुए वे कहती हैं, इस कैद में दम घुटता है, अब रहा नहीं जा रहा, एक एक पल भारी हो गया है। 11 वर्ष से अधिक हो गए हैं आसमान को देखे, सूर्य के दर्शन किए, बहुत दम घुटता है यहाँ अंधेरे में। वसुदेव जी कहते हैं, प्रतीक्षा करना तो मेरे लिए भी भारी होता जा रहा है, किंतु क्या करें, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं दया निधान से, प्रार्थना स्वीकार करने को विवश तो नहीं कर सकते। माता कहती हैं, सच कहूं कभी कभी भगवान दया निधान नहीं, बड़ा निष्ठुर सा प्रतीत होता है। वे रो दी, मैंने तो उसकी निष्ठुरता साक्षात देखी है, किसी माता के सामने उसके ही बच्चों को मार देना कैसी कठोरता है। मैं विवश थी, आप विवश थे, क्या वो भी विवश था। और एक बार नहीं, कितनी बार, कितनी बार। और अब कहते हैं आठवीं संतान स्वयं ईश्वर है, पर उसे देखने तक को तरस गए हैं नयन। ऐसा कैसा ईश्वर है, क्या वो भी हमारी तरह है। वसुदेव जी सांत्वना देते हुए कहते हैं, धैर्य रखो देवी, जब पुत्र बनकर आया है तो सुध भी लेगा, पर कब। घुटन होती है मुझे यहाँ, निकालो मुझे यहाँ से। वसुदेव जी उन्हें संभालने का प्रयास करते रहे, किंतु स्वयं भी व्यथित से हैं, क्या धीरज दें और कितना दें, शब्द भी समाप्त से हो गए हैं वर्षों से धीरज देते देते। उधर वृंदावन में श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेलते हुए खेल छोड़कर एकाएक एक ओर चले गए। दाऊ भैया बोले, क्या हुआ कान्हा, कैसे एकदम से इधर आ गया। वे कुछ भीतर डूबते हुए से बोले, अब वृंदावन छोड़ना होगा दाऊ, अब समय आ गया है। क्या मतलब। अब मथुरा चलना होगा, हम यहाँ मात्र खेलने कूदने ही तो नहीं आए हैं। हाँ ये सही है। दाऊ भैया एक भुजा दिखाते हुए कहते हैं, अब तो भुजाओं में भी अच्छा खासा बल आ गया है, यूं भी कंस पर खींच खाए रहता हूं मैं तो, उसने सब पर बहुत अत्याचार कर रखे हैं, आतंक मचा रखा है, हमारा दधि माखन भी मुफ्त में लेता है, उसे मजा चखाना ही होगा। लेकिन लेकिन क्या दाऊ। लेकिन यहाँ मैया बाबा और सब रोएंगे कन्हैया, सह नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कहीं और कोई और भी तो रो रहा है भैया, वे भी नहीं सह पा रहे, हम तो सभी के हैं, किसी एक के तो नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी एक की पीड़ा देखें और दूसरे की पर ध्यान ही ना दें। वे बाहें फैला कर कहते हैं, अपना हूँ सबका, जा जा कर मैं सबको ही अपनाऊंगा, एक एक का दर्द मिटाऊंगा, एक एक को गले लगाऊंगा। अपना हूँ सबका, जा जा कर मैं सबको ही अपनाऊंगा, एक एक का दर्द मिटाऊंगा, एक एक को गले लगाऊंगा। आऊंगा मैया बाबा मैं आंचल का कर्ज चुकाऊंगा, आऊंगा मैया बाबा मैं आंचल का कर्ज चुकाऊंगा, सुख बांटूंगा सुख पाऊंगा, चरणों में शीश झुकाऊंगा, चरणों में शीश झुकाऊंगा। बोलो मैया देवकी की जय, बोलो पिता वसुदेव जी की जय, बोलो कृष्ण बलराम की जय।